तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे, कल तक ये उम्मीद की जा रही थी कि आज 20,000 का जो आंकड़ा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स छू लेगा, लेकिन आज लगभग 1.25% की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली। अगर आप 6 महीने पहले देखेंगे तो 1.25% 1.5% तक की गिरावट बहुत ही नॉर्मल गिरावट हो गई थी, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अचानक से आज ऐसा क्या हुआ कि 1.5% तक की गिरावट सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे यहां पर देखने को मिली है। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो जो कल हमने इंफोसिस पे मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाकर डिस्कस किया था। रिसेंटली इंफोसिस के रिजल्ट्स आए थे और इंफोसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी खराब आए थे। उससे पहले TCS, HCL, विप्रो, इन सभी कंपनीज के जो रिजल्ट थे वो काफ़ी ख़राब आए थे, लेकिन उस टाइम पे रिजल्ट्स ख़राब आने के बाद भी इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली थी। और मैंने आपको यही चीज़ उस वक्त बोली थी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, ये जो स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है ये रिजल्ट के बेसिस पे नहीं है और ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। तो अगर आज आप देखेंगे, अगर हम आज IT सेक्टर में बात करते हैं तो सिर्फ निफ्टी IT इंडेक्स में 4% से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेजरली इन्फोसिस में 8% की गिरावट आई है, TCS में भी लगभग 3% की गिरावट आई, HCL टेक में 4% के आसपास, टेक महिंद्रा में 4.5%, परसिस्टेंट सिस्टम में 6% के आसपास, विप्रो में 3% के आसपास, लगभग सभी जो IT सेक्टर की बड़ी कंपनीज थी उनमें आज गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि इंफोसिस के रिजल्ट्स के बाद ये चीज़ फाइनल हो गई है कि आने वाला जो एक साल है वो अच्छा नहीं रहेगा IT सेक्टर के लिए। क्योंकि IT सेक्टर में एक तो चीज़ है कि इंफोसिस ने जो अपने गाइडेंस दी है पूरे साल की वो 1 से 3.5% तक की ग्रोथ की दी है, जो पहले 7% तक की ग्रोथ थी। तो लगभग उन्होंने जो अपनी गाइडेंस थी उसको आधा कर दिया और ये चीज़ इनएविटेबल थी कि IT सेक्टर में गिरावट आएगी, क्योंकि IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। रिजल्ट्स किसी भी IT सेक्टर की कंपनी के, मेजरली हम 4 कंपनीज की बात कर रहे हैं, उनके अभी तक अच्छे नहीं आए हैं। तो IT सेक्टर की वजह से आज ओवरऑल स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ साथ एक और बड़ी कंपनी का रिजल्ट आए थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट भी उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी डी ग्रोथ आपको प्रॉफिट्स में देखने को मिली। तो उस वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में भी लगभग 3.5% की गिरावट आई है। और लार्ज कैप कंपनीज में इतनी ज़्यादा गिरावट तभी आती है जब वो शेयर्स ओवर प्राइस हो चुके होते हैं, जब एक साथ बहुत अच्छी रैली इन शेयर्स में आई होती है। इसके साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही थी लगातार जियो फाइनेंशियल्स की वजह से, अब वो डीमर्जर हो चुका है तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी गिरावट देखने को मिली। तो अचानक से आज ये ऐसी चीज़ें हुई कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, रिलायंस, HUL, इंफोसिस, TCS, इनमें सब में एक साथ गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से निफ्टी इंडेक्स जो था जिसमें ये सारी कंपनीज हैं उसमें ओवरऑल गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए, इतनी गिरावट से आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सेक्टर स्पेसिफिक गिरावट थी जिसका ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर असर हुआ है। जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं वो अभी भी अच्छा करेंगी, लेकिन ये जो अभी आने वाले 1-1.5 महीने हैं ये थोड़े से यहाँ पर वॉलेटाइल रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट का सीजन अभी शुरू हो चुका है। तो रिजल्ट्स के हिसाब से कैसे रिजल्ट्स ये कंपनीज अपने पेश कर रही है, कितनी ग्रोथ यहाँ पर आ रही है, उसके हिसाब से भी इन शेयर्स में गिरावट देखने को मिलने वाली है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, जो ओवरऑल बुल रन है वो अभी भी चलने वाली है। हो सकता है थोड़ा मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो, क्योंकि रिजल्ट्स में कौन सी कंपनीज़ के रिजल्ट्स खराब आते हैं उनमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने IT सेक्टर में यहाँ पर करेक्शन देखी। IT सेक्टर पे मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था कि ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो सिर्फ US से जो अच्छी न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से है, इंडिया की IT सेक्टर की रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक मेजर रीजंस रहे जिसकी वजह से आज IT जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है उसमें गिरावट आई है। और देखिए, ये चीज़ होगी आने वाले टाइम में भी, जब इतनी तेज़ी स्टॉक मार्केट में एक साथ बन जाती है तो उस टाइम पे गिरावट देखने को मिलती ही मिलती है। लेकिन आपको इतनी छोटी मोटी करेक्शन से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और करेक्शन आती है तो जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं उनको लगातार पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में उस टाइम पे आपको सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा इतनी छोटी मोटी करेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।